हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं पाकिस्तानी ठग लाइफ कंपाइलेशन। ट्राई नॉट टू लव देसी ठग लाइफ कंपाइलेशन देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानियों की। नॉट जस्ट आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदे की ठग लाइफ है, वो देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे होंगे लोग। स्टार्ट करते हुए ना देरी के लिए, स्टार्ट इट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल इंग्लैंड और इंडिया का मैच है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान को बेनिफिट हो जाएगा ना। अच्छा, क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि वो उनके पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे और इंग्लैंड के कम हो जाएंगे। अच्छा, तो अगर वो जानबूझकर हार जाए इंडिया तो फिर? वो तो फिर खोती के बच्चे वाला काम करेंगे। जानबूझ के हार। और आपने इमरान खान कहा कि आपको उर्दू सही नहीं आती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी उर्दू बिलावल जरदारी से बेहतर है। कम अज कम आपने ये कहा कि मैं अनिल मुसर्रत हूं। मैं चले, मैं आगे नहीं बात करता। आगो से अपनी गला से दूर तक ना था, ना है वफा से पैसे तो हैं, पर देखो है ये कैसी बेचैनी। मैं कहना पे जो मेरी इत्थे बैठा तोड़ा डैडी वावे चिल्ले कटो लवाए ना दी। बोलिए अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हां जी, ये ऐनक वाला कंजर कौन बैठा हुआ है? हेलो जी, देखते हैं जी कॉल करके कह रहा है कॉलर ये ऐनक वाला। क्या हाल चाल है? अपना गुड नेम बता दे। मियां मोहम्मद तारिक। मियां मोहम्मद तारिक, माशाल्लाह। तारिक साहब हमें जरा ये बताइए कि क्या सूरत हाल चल रही है लाहौर की? अल्लाह है, आज मौसम बहुत ठंडा है और बड़ा मजा आ रहा है। मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है। मौसम तो आज खूबसूरत हो गया, बहुत खूबसूरत। जैसे आप खूबसूरत हैं, इस तरह मौसम भी खूबसूरत। अरे थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप खूबसूरत हैं। शर्मा गई मैडम। लाहौर का मौसम बड़ी बात मेहरबान जो होता है ना, ये खूबसूरत लोगों के लिए होता है। हमारे जाने बासूरत लोगों के लिए नहीं ये मौसम है। हमें कितना देखना है। ये क्या बात हुई? हमें कितना देखना? कह रहे हमें कितने देखना। तारिक साहब हमें ये बताएगा कि MPA किसकी अब्रीविएशन है? ये किसकी अब्रीविएशन है? इंग्लिश समझ में नहीं। What the fuck is going on here? MPA किसकी अब्रीविएशन है? यानी M से क्या बनता है, B से क्या बनता है और E से क्या बनता है? जी निकल गया सारा रोमांस। MPA तो होता है लेकिन ये किसकी अब्रीविएशन? आपने लीडर को मिली फिर आपने टफ क्वेश्चंस। रोमांस का गला आपने एक टॉक शो करना है, काट दिया। सपोज आप कर रही हैं एंड दिस इज योर शो एंड आई एम अ गेस्ट, आई एम सिटिंग ओवर हियर, सो यू आस्क मी सम क्वेश्चन। पूछे आप उर्दू में एक्सप्लेन करें फिर बताऊंगे। पाकिस्तान किसने बनाया? मैडम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही है, बैठी है तो इतना समझ में नहीं आया। महंगाई महंगाई नया पाकिस्तान है, महंगाई भी मुबारक हो आपको, तकलीफ हुई है? तकलीफ हुई है, पंच मारा है भाई। एक मर्द का औरत को देखना और एक औरत का मर्द को देखना, ये दोनों एक इंजीनियर एक जैसे अमल तो नहीं है। अगर एक जैसे अमल होते तो मर्दों को भी निकाब करवाया जाता, चेहरे का पर्दा मर्दों का भी करवाया जाता। इसके ऊपर इजमा है कि औरत का मर्द को देखना जायज है, क्योंकि औरत पैसिव होती है, मर्द एक्टिव होता है, जब तक कि उसमें शहवत ना हो। अगर शहवत होगी तो औरत मर्द को नहीं देख सकती, लेकिन मर्द का औरत को देखना हर हाल में हराम है, गैर मर्द को, शहवत हो या ना हो, कैसे भी मर्द एक्टिव होता है, औरत पैसिव होती है, और औरतें ज्यादा शरीफ होती है, मर्द ज्यादा बदमाश होते हैं। सही बोले भाई इंजीनियर साहब। वो साडा जड़ा कारोबार है ना, दुनिया का आखिरी कारोबार, जाके देखो कारोबार होते क्या है। हम मतलब जिसको कारोबार कहते हैं, एप्पल का बिजनेस, अकेला एप्पल का बिजनेस पाकिस्तान के सारे बजट से पता नहीं कितने गुना ज्यादा है।
ये भी तो देखे ना सर, ये मैंने सुना था कि बिजनेस किस लेवल की इतनी सारी एग्जाम है तो एप्पल का बिजनेस पाकिस्तान के सारे बजट से पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। किस लेवल की इतनी सारी एग्जाम है ये बातें कर जाते हैं इन्हें जाने दूं मैं कर दूं काली ये झलके व्यापारी पे जाने ना है नियम बनाते जो हुक्म का बिना मानेंगे ठहर दबेगा पैर। इमरान खान साहब ने 6 रुपए जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इससे आप मुतासिर होंगे या नहीं होंगे, क्या तासुरात हैं आपके? कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। क्यों भाई? इमरान खान साहब अगर 600 रुपए भी बढ़ा देना फिर भी कोई मसला नहीं है हमें। और भाई 600 रुपए अगर बढ़ा देना तो कीमत तकरीबन 700 रुपए के करीब फी लीटर पहुंच जाएगी। 6 रुपए पे चीखे निकल गए हैं। किसकी चीखे निकली हैं? आवाम की। किसने मारी है, कब मारी है भाई? मैंने महावरतन कहा कि गुरबत से उनकी चीखें निकल गई हैं। और कुछ नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तो मेरी बात सुने, ये जो तेल है ये तेल समंदर में से निकाले अवाम में से क्यों निकाला जा रहा भाई? अवाम में से क्या, आप में से तेल निकलता छोड़े। असद उमर साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कहा था कि पेट्रोल की कीमत 3600 रुपए होनी चाहिए, बाकी तो इजाफी तौर पर टैक्सीज हैं सारे। तो वो जब खुद वजीर खजाना बने हैं तो भाई वो किधर गई बात, वो किधर गई ट्वीट? कब किया? सारी दुनिया को पता किया। ट्विटर यूज करते हैं आप? जी। कितना यूज करते हैं? 24 घंटे में से 23 घंटे में ट्विटर। तो आपको तो फिर पता होना चाहिए उन्होंने ट्वीट की थी और अब ट्वीट के बाद खुद कीमतें बढ़ा दी। कहाँ है 3600 रुपए? भाई कोई ट्वीट नहीं की थी, सारा कुछ नून लीक करवा रही है। वो फेक अकाउंट बनाया है यार किसी बंदे ने। किन्होंने? बस रहने दें यार। अच्छा तो ये बताएं, जो पेट्रोल निकल रहा है ये समंदर में से, कराची के समंदर में से पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अगर निकल गया तो फिर ये 6 रुपए कम होने चाहिए ना? वो फिर तो अयाशी है। फिर अयाशी है? हाँ, फिर तो क्रेडिट किसको देंगे उसका? इमरान खान। इमरान खान को क्यों? वो तो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ही पेट्रोल निकाला जा रहा था या उसकी रिसर्च हो रही थी। ओ भाई मेरी बात सुनो, इमरान खान के दौर में निकला, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। चलो इमरान खान ने किया है, अल्लाह ना करे पेट्रोल ना निकला कराची से, फिर नवाज शरीफ का कसूर है। अच्छा पेट्रोल निकला है तो इमरान खान, और ना निकले तो नवाज शरीफ का कसूर। नवाज शरीफ का कसूर क्यों है? तो भाई सारा कुछ अमेरिका करवा रहा है। तो नवाज शरीफ साहब का क्या कसूर है भाई इसमें? तो वो मिले हुए उनके साथ, और नवाज शरीफ साहब तो जेल में थे, वो 6 हफ्ते हुए लीव पे। ओ भाई नवाज शरीफ जेल में था ना, अमेरिका तो खुला था। निकले जिहाद पे हाथों में लेके कीबोर्ड्स, फंक्शन के वी बॉटम सिक्योरिटीज भरी बहुत। लोग कहते लोग चलते मुझसे, पर वो चलते मुझसे नहीं, वो चलते खुद से, क्योंकि जो ये बनना चाहते थे वो मैं बना हूँ खुद से। इंस्पायर हुए मुझसे, फायर मेरे मुक्के भी ढोला मेरी बोल पे रहे निकलते गुस्से। पैदा कब हुए थे आप? ये नहीं पूछूंगा क्यों, क्योंकि ये एक अजीब सा सवाल था, क्यों पैदा हुए? तो आप कहाँ पैदा हुए? कराची। कराची में? माशाल्लाह। मार्शाल्लाह था, क्या था, कौन सा दौर था? मार्शल लॉ नहीं, कौन सा सन तो पता होगा। सन कैलेंडर आ गए थे उस दौर में। कौन सा किस दौर में हुआ, क्या सन था? बस 1971। 71 जी। ओ याद आया मुझे, बड़ा अजीब मनहूस साल था वो। मनहूस साल इसलिए क्योंकि वॉर वाला सीन। बैकपैक पे लगा पाकिस्तानी झंडा, बर्स मारूं जैसे शेर का हो पंजा। ओ ठंडा सीन पड़ा बंदा, बंदे को खाए जैसे जीने का धन। एक शेर जंगल च, अच्छा उन्हें सारे जानवरों की दावत की, उन्हें कहा जिन्हें जानवर ने जंगल च मेरी सालगिरह ते आयो। अच्छा एक जानवर नहीं आया, क्यों? तुसी चले ही जांदे मुक जांदे रौला। मैं गया सी, उन्हें कहा सिर्फ जानवर ने आना, तू चल जा, मैं इसको तुहानू बुलाउणा आया कि बुला रहा। अरे भाई जवाब देना चाहिए कुछ तो, उसको जानवर बोला फिर उल्टी पड़ गई। बोलो भाई कुछ। Face me. First name. Mohammad Hamza Bangash. Louder. Mohammad Hamza Bangash. Louder. Mohammad Hamza Bangash. Louder. That alluvial suits. Hear that. Mohammad Hamza Bangash. More. Mohammad Hamza Bangash. Much louder. Mohammad Hamza Bangash. Okay, you are not supposed to shout in front of me. So, you are not selected. Watch
बचपन से कैलिफोर्निया। इसमें हमने बहुत सारी ठग लाइफ देखी पाकिस्तान के आम आदमियों की, इमरान खान की और बिलावल, बिलावल की ठग लाइफ तो नहीं थी, शेख रशीद की थी उसी के ऊपर। और एक इंटरव्यू मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, वो बंदा गुस्से में जो था, जो इमरान खान का कट्टर सपोर्टर लग रहा था भाई, वो छोड़ दे रहा था कुछ भी हो, इमरान खान चाहे 600 रुपये बढ़ा दे पेट्रोल पे चलेगा, 6 रुपये बढ़ाए लोगों की जेब कट रही है, तो उस पर जवाब ऐसे दे रहा है, कौन चीख रहा है, किसको पड़ी है, किसने ट्वीट किया, कब किया उल्टे जवाब दे रहा था यासर जबी को, उमर शरीफ की थी ज़बरदस्त थी यार, जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड वो 1971 वाला हुमायूं सईद से जो क्वेश्चन पूछा था, मज़ेदार था। और वो बंदा किसी शो में बैठा हुआ था, कॉलर का कॉल आता है किसी चीज़ के लिए, ऐसे शोज जो हैं वो चलते हैं, तो उसके अंदर बंदा पूछ रहा, कॉल करते ही जिस जब उठाया तो यार ये बंदा जो ऐनक में बैठा है ये कौन है इतनी तगड़ी बेइज्जती यार, अबे तुझे क्या मतलब, तू यार जिसलिए कॉल की है तू वो बोल बोल रहा है यार, ये बंदा बैठा कौन है क्या मतलब तुझे यार, कोई भी हो तुझे क्या मतलब। जो भी था मज़ेदार था, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में बताए ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।